आजकल के टाइम में हमारी ट्रेनिंग में एक ब्रेक आना एक आम बात है। ये ब्रेक किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से हो, चाहे किसी बीमारी की वजह से, चाहे किसी फैमिली फंक्शन की वजह से या वेकेशन की वजह से। और जब कोई भी एक ट्रेनिंग ब्रेक के बाद जिम जाना वापस शुरू करता है तो उन्हें एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस करने वाली एडवाइस पसंद नहीं आती। सबको अपने गेंस जल्दी से जल्दी वापस चाहिए होते हैं, पर ऑनेस्टली ये करना पॉसिबल है एज लॉन्ग एज आप अपने जिम में कमबैक को एक स्ट्रक्चर्ड और इंटेलिजेंट तरीके से अप्रोच करें। आपको जरूरत होती है एक प्रॉपर कमबैक प्लान की, और आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आप कैसे अप्रोच करें अपने वर्कआउट शेड्यूल को और कैसे सेटअप करें अपनी डाइट को एक ट्रेनिंग ब्रेक के बाद। मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या ट्रेनर नहीं हूं, मैं हूं एक 40-year-old नेचुरल एथलीट जिसे वर्कआउट करने का बहुत शौक है, बहुत पैशन है, और हर हफ्ते मेरी कोशिश होती है आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने की एक बहुत मजेदार तरीके से, जिससे आपकी हेल्प हो पाए और हम सब मिलकर अपने फिटनेस गोल्स अचीव कर पाए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग प्लान। सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि होता है मसल मेमोरी इफेक्ट। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि अपनी खोई हुई मसल को, अपनी लॉस्ट मसल को रीबिल्ड करना ज्यादा आसान होता है वर्सेस बिल्डिंग न्यू मसल टिश्यूज फ्रॉम स्क्रैच। तो मसल मेमोरी इफेक्ट की वजह से एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है उन लोगों को जो पहले ट्रेनिंग कर रहे थे और जिन्होंने कुछ मसल पुट ऑन करी थी अपनी ट्रेनिंग ब्रेक से पहले, वर्सेस अगर आप कंपेयर करें बिल्कुल बिगनर्स से जो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। पर इस मसल मेमोरी के प्रोसेस को यूटिलाइज करने का प्रोसेस शुरू होता है जिम में एंटर करने से पहले। ये शुरू होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव कमबैक प्लान के साथ, जो आपको प्रिपेयर करना है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने जिम में वापसी से पहले। क्योंकि अगर आप जिम जाके सिर्फ फ्री स्टाइल से एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि हर एक्सरसाइज के दो दो तीन तीन सेट मारेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं कमबैक के टाइम पे, उस वजह से आपके रिजल्ट्स डिले हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आप ओवर ट्रेनिंग कर सकते हैं, एंड यू मे एंड अप नॉट स्टिमुलेटिंग योर मसल्स इन अ प्रॉपर वे फॉर स्ट्रेंथ एंड साइज गेन्स। ट्रेनिंग प्लान का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी वर्कआउट वॉल्यूम और वर्कआउट फ्रिक्वेंसी। तो अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं एक ब्रेक के बाद और आप चाहते हैं सेम वॉल्यूम हिट करना जो आप अपनी ब्रेक से पहले लगा रहे थे, तो वो करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप ओवर ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको इंजरी भी हो सकती है, एंड दिस विल डेफिनेटली डिले योर प्रोग्रेस। तो एक अच्छे कमबैक ट्रेनिंग प्लान के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला होता है मसल एक्टिवेशन, दूसरा होता है मसल रिकवरी। एकदम से अपनी वॉल्यूम को बहुत इंक्रीज करने से आप अपनी मसल एक्टिवेशन पे तो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप निग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी मसल की रिकवरी को। रिमेंबर, अगर आप अपनी मसल साइज गेन करना चाहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मसल को एक स्टिमुलस देना पड़ता है जो आप जिम में देते हैं वेट लिफ्ट करने से। बट अगर आप प्रॉपर फोकस रखते हैं अपनी बॉडी की रिकवरी पे स्ट्रेस से, तभी आपकी मसल गेन हो पाती है, तभी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ पाती है, आप अपने फ्यूचर वर्कआउट्स के लिए और ज्यादा लोड उठा पाते हैं और अपनी वॉल्यूम को बढ़ा पाते हैं। सो रिकवरी इज व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड कॉजेज हाइपरट्रॉफी। पर जब आप अपनी मसल्स पे ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा डालते हैं, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वॉल्यूम करने की कोशिश करते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी रिकवरी पे, जिस वजह से आप जिम के अंदर और जिम के बाहर भी थका हुआ फील करेंगे, आपको मसल गेन्स नहीं दिखेंगे इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो आपको शुरुआत में एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलना है मसल एक्टिवेशन और मसल रिकवरी के बीच में, जिससे आपकी बॉडी इजीली अडैप्ट कर पाए इन वर्कआउट्स को और आपके रिजल्ट जल्दी और अच्छे आए। और ये बैलेंस स्टार्टिंग में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाता है एक ब्रेक के बाद। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, आपको टारगेट करने चाहिए 8-10 सेट हर मसल ग्रुप के हर हफ्ते, यानी आप हर वर्कआउट में 4-5 सेट लगा सकते हैं हर मसल ग्रुप के, प्रोवाइडेड यू आर ट्रेनिंग एवरी मसल ट्वाइस अ वीक। शुरुआत के 2-4 हफ्तों के बाद आप इस वॉल्यूम को बढ़ा के 10-12 सेट कर सकते हैं पर मसल ग्रुप पर वीक, बट ऑब्वियसली आपकी इंटेंसिटी इंप्रूव होनी चाहिए, जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं वो इंप्रूव होना चाहिए, बिकॉज यू विल बी गेनिंग स्ट्रेंथ एंड योर मसल्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर। फॉर फ्रीक्वेंसी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर बॉडी पार्ट को हफ्ते में 2 जरूर ट्रेन करें फॉर बेटर रिजल्ट्स, जो कि हर नेचुरल बॉडी बिल्डर को एनीवेज करना चाहिए। ये अचीव करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एक अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट या पुश पुल लेग स्प्लिट। बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी वर्कआउट वॉल्यूम, यानी कि आप कितने सेट लगा रहे हैं, कितने रेप निकाल रहे हैं, क्या वेट उठा रहे हैं, वो थोड़ा लोअर या मॉडरेट साइड पे ही होना चाहिए। हफ्ते में 1 ट्रेन करना मे नॉट बी एन आइडियल फ्रिक्वेंसी टू स्टिमुलेट ग्रोथ एंड गेट यूज टू दिस स्ट्रेस क्विकली। ये फॉलो करने से आपको शुरू के 2-3 महीने तक दिखेगा एक लीनियर प्रोग्रेशन, जिसमें आप हर हफ्ते अपना मसल
साइज और स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन करते रहेंगे और शुरुआत के कुछ महीनों के बाद आप हिट करेंगे एक प्लेटो जहां पर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो अप्लाई करते रहना ही पड़ेगा और साथ साथ थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा अपनी इंटेंसिटी को, अपने वॉल्यूम को, अपने शेड्यूल को बेस्ड ऑन योर गोल्स। ट्रेनिंग प्लान का पॉइंट नंबर 3 है एक्सरसाइज सिलेक्शन। आपको अपनी एक्सरसाइज बहुत समझदारी से चूज करनी है कमबैक प्लान में। एक्सरसाइज सिलेक्शन का एक बहुत फेमस टर्म होता है स्टिमुलस टू फटीग रेशो। तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करनी है जो आपकी मसल्स को ज्यादा स्टिमुलेट करे लेकिन फटीग कम से कम करे। मतलब ये कि आपकी मसल में अच्छा पंप आए, वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो लेकिन आपको थकान कम हो जिस वजह से आपकी रिकवरी फास्ट हो। एक ब्रेक के बाद वर्कआउट स्टार्ट करने पर मसल में सोरनेस आना यानी कि दर्द होना, कष्ट होना एक आम बात है, पर काफी लोगों को लगता है दैट मसल सोरनेस इज इक्वल टू मसल ग्रोथ। सो यू डोंट हैव टू मेक दिस मिस्टेक ऑफ चेजिंग मसल सोरनेस। प्लीज ध्यान से सुनना और याद रखना, मसल सोरनेस से मसल ग्रोथ नहीं होती है। हाँ, पर मसल सोरनेस से आपकी प्रोग्रेस डिले जरूर होती है। तो आपका गोल होना चाहिए अपनी मसल सोरनेस को कम से कम रखना और ऐसी एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट करना जिससे मसल डैमेज कम हो, जिस वजह से आपकी सोरनेस कंट्रोल रहे और आपकी रिकवरी अच्छी हो। जरूरत से ज्यादा सोरनेस आपकी रिकवरी तो स्लो करेगी ही, आपकी जिम में परफॉर्मेंस को भी बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। स्टार्टिंग के मिनिमम 2 हफ्ते के लिए आपको फोकस करना है मशीन्स पे, केबल असिस्टेड एक्सरसाइजेस पे, फ्री वेट्स में, आइसोलेशन मूवमेंट्स में जैसे बाइसेप कर्ल्स, केबल क्रॉसओवर, लेग एक्सटेंशन। आपको फ्री वेट एक्सरसाइजेस जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, शोल्डर प्रेस ये सब भी लगाने हैं लेकिन शुरू के 1-2 हफ्ते के बाद आपको इन एक्सरसाइजेस को अपने ट्रेनिंग प्लान में इंक्लूड करना है बहुत हल्के लोड के साथ और फिर इसे धीरे धीरे वहां से बढ़ाना है। आपको बहुत होशियारी से वो एक्सरसाइजेस चूज करनी है जिससे आपको थकान कम से कम हो, आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बन पाए, आपकी मसल में अच्छा पंप आए और आप फील कर पाए उस मसल को एक्टिवेट होते हुए एक्सरसाइज के दौरान। नहीं, आपको जरूरत नहीं है स्टार्टिंग से ही हैवी वेट लिफ्ट करने की, कंपाउंड मूवमेंट्स लगाने की। आप सिंपल और बेसिक एक्सरसाइजेस के साथ ही अपनी मसल का साइज और स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं शुरुआत के कुछ हफ्तों में। आपको अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को, अपनी मसल्स को, अपने नर्वस सिस्टम को टाइम देना है टू गेट यूज्ड टू दीज फ्री वेट मूवमेंट्स वेरी स्लोली। सो बेस्ट एडवाइस इज यू शुड लिसन टू योर बॉडी। जब आप कंप्लीटली कनेक्टेड फील करें इन फ्री वेट एक्सरसाइजेस के साथ, जो कि 2-3 हफ्ते में हो जाना चाहिए, उस पॉइंट पे जाके आप लोड इंक्रीज करना स्टार्ट करें। सो ट्रेनिंग प्लान का लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ लॉस। तो अगर आप एक ब्रेक के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, भले ही आपने उस ब्रेक में बिल्कुल एक्सरसाइज ना करी हो या घर पे एक्सरसाइज करी हो बॉडी वेट के साथ या लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ, आपका स्ट्रेंथ लेवल नीचे जरूर आया होगा। आपको ये मेंटली एक्सेप्ट करना है कि जिम में आपकी वेट लिफ्ट करने की ताकत, आपकी क्षमता पहले से कम जरूर हुई होगी, बट आपके वेट लिफ्ट करने की स्ट्रेंथ एक स्किल की तरह होती है और आप इसे रिलेट कर सकते हैं किसी भी स्पोर्ट के साथ। तो अगर आप क्रिकेट खेले काफी महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, तो आपको समय लगेगा अपनी टाइमिंग वापस लाने में, अपना फॉर्म वापस लाने में। बस बिल्कुल इसी तरह से आपको बस कुछ समय लगेगा उतना ही वेट लिफ्ट करने में या उससे भी ज्यादा लिफ्ट करने में जो आप अपनी ब्रेक से पहले लिफ्ट कर रहे थे। अगर आपकी ब्रेक 3-6 महीने की थी तो चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि आप अपना पुराना फॉर्म वापस ला पाएंगे 6-8 हफ्ते के अंदर ही, प्रोवाइडेड आप स्मार्टली ट्रेन करें, अच्छा रेस्ट लें और प्रॉपर डाइट लें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपका न्यूट्रिशन प्लान कैसे सेटअप करना चाहिए। अगर आप एक ब्रेक के बाद जिम स्टार्ट कर रहे हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आप मसल लूज करते हैं और फैट गेन करते हैं। ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि आप ट्रेनिंग करना बंद कर देते हैं लेकिन आप एक कैलोरी सरप्लस में खाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी मसल ज्यादा लूज ना हुई हो लेकिन आपने फैट गेन कर लिया हो। ये तब होता है जब आपकी ट्रेनिंग ब्रेक छोटी हो, आप अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन कंज्यूम करते रहे हो पर आप अपनी ट्रेनिंग ब्रेक में कैलोरी सरप्लस में रहे। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक ट्रेनिंग ब्रेक के बाद कटिंग करें कि बल्किंग करें, क्योंकि सबको लगता है कि अगर कटिंग करेंगे तो और मसल लूज हो जाएगी और अगर बल्किंग करेंगे तो और फैट गेन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये दोनों नहीं करने चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे। बॉडी रिकॉम्पोजिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप मसल गेन करते हैं और फैट लूज करते हैं एट द सेम टाइम, और हाँ ये किया जा सकता है। बॉडी रिकॉम्पोजिशन कैसे होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, दैट कैन बी अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। फॉर नाउ आप समझिए कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना आसान होता है उन लोगों के लिए जो एक ब्रेक के बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द मसल मेमोरी इफेक्ट। इसकी मेन थ्योरी ये होती है कि आपकी बॉडी टैप करती है आपके एक्सेस फैट स्टोर्स में और उस एनर्जी को यूज करती है फॉर द मसल बिल्डिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है, इट शुड बी एज पर द टिप्स आई जस्ट शेयर्ड। तो अपने न्यूट्रिशन प्लान में बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है, आपकी ओवरऑल कैलोरी इनटेक,
आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट का रेशो और आपके न्यूट्रिएंट्स की टाइमिंग। सबसे पहला कैलोरी इनटेक, क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में थे तो आपको स्टार्ट करना है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज खाने से। मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए आपको इंटरनेट पर जाके कोई भी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर यूज करना है, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा आपके लिए। बेसिकली मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिससे आपका वेट ना बढ़ता है ना घटता है। स्टार्टिंग से ही मैं आपको एक कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप अपनी ट्रेनिंग ब्रेक में एक सरप्लस में खाते रहे हैं। इस वजह से वापस अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करने से भी आपका फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट कीजिए मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करने से। 2 से 3 हफ्ते के बाद आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से केवल 100 से 200 कैलोरीज कम खाइए। ये करने से आपकी बॉडी रिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट का इंटेक। सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको प्रायोरिटाइज करना है वो है आपका प्रोटीन इंटेक। आपको टारगेट करना है 1.8 टू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट कंज्यूम करना। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट कीजिए बाय कंज्यूमिंग अराउंड 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट फॉर द फर्स्ट 2 to 3 weeks। फिर इसके बाद इसे बंप अप कीजिए टू अराउंड 2.2 एंड यू कैन गो एज हाई एज 2.4 2.5 आल्सो। गोइंग हाई ऑन प्रोटीन आपके बॉडी रिकॉम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है और रिजल्ट करता है लीनेस्ट पॉसिबल मसल गेन्स में एंड विदाउट एनी हेल्थ साइड इफेक्ट्स। कार्ब और फैट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट यू कंज्यूम हाई कार्ब एंड लो फैट डाइट। इसका मेन रीजन है कि फैट्स बहुत कैलोरी डेंस होते हैं और आपको इजीली कैलोरी सरप्लस में पुश कर सकते हैं, और कार्ब्स लार्जली स्टोर होते हैं एज मसल ग्लाइकोजन जो आपको एनर्जी देते हैं वर्कआउट्स के दौरान। तो आपके वर्कआउट की क्वालिटी भी एक हाई कार्ब डाइट से इंप्रूव होती है। मेरा सजेशन है कि फैट आपकी डाइट का 20% से ज्यादा हिस्सा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब अगर आप एक 2500 कैलोरी की डाइट कंज्यूम करना चाहते हैं पूरे दिन में, तो फैट 500 से ज्यादा कैलोरीज आपको नहीं देने चाहिए उस ओवरऑल डाइट में। तो एक प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप प्रोटीन की क्वांटिटी डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द प्रोटीन रेंज। उसके बाद आप फैट की क्वांटिटी डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दिस 20% फॉर्मूला, और बची हुई सारी कैलोरीज आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। अगर आपको ये कैलकुलेशन सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक पे बनाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा। अब आते हैं आपके न्यूट्रिएंट टाइमिंग पे। तो आपका प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अपने वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। फैट्स को इन दोनों मील्स में अवॉइड करें ताकि आपका डाइजेशन फास्ट रहे और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन क्विकली हो। और आइडियली आपकी प्री और पोस्ट वर्कआउट मील 4 से 5 घंटे से ज्यादा के गैप में नहीं होनी चाहिए। आइडियल रहता है कि आप अपनी ओवरऑल प्रोटीन इंटेक को छोटी छोटी 4 से 5 मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करें instead of having it in 3 large meals। ये help करता है आपके muscle protein synthesis को एक high level पे रहने में। इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना ही वो difference होता है जो decide करता है कि आप अपनी muscle size और strength gain करेंगे कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। I hope आपको इस video का content काम का लगा। अगर लगा तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय लीविंग अ लाइक एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको चाहिए रेगुलर साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन मसल बिल्डिंग, फैट लॉस एंड योगा, तो जाने से पहले वो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल हिट करना नहीं भूलिएगा। आपसे मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।